नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई सिलेबस की वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का जो हवलदार शूरवीर ऑटोकॉट की जो वैकेंसी होती है उसके लिए क्या सिलेबस चाहिए होता है, आखिर क्या पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो यानी कि रिटन एग्जाम के लिए हम पूरी तैयारी आज करेंगे। तो याद रखिएगा, सिलेबस फॉर हवलदार सूरवीर ऑटो काटो, ठीक है। इसमें भी आपके दो एग्जाम होते हैं, एक मैथ्स और दूसरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थोड़ा सिलेबस कम है, 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। फिजिक्स में 25 आएंगे, केमिस्ट्री के 25 आएंगे और 50 50 मार्क्स के, इनके टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स 100 हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अगर मुझे ये पूछें कि आपको क्या दोनों सेक्शंस पास करनी है, जी हाँ, आपको दोनों सेक्शन पास करनी है और मिनिमम 40 मार्क्स आपको ईच सेक्शन में लेने पड़ेंगे। अगर आपने 40 से कम लिए तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपका मैथमेटिक का बता देता हूँ मैं आपको। तो मैथमेटिक में आपका अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटरमिनेशन। एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा samajhayekar.in का। आप इस पेज पे आइए या गूगल में सर्च कर लीजिएगा samajhayekar.in, तो आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी का ये ऑटोकॉटो का जो है लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेशन, एनालिटिकल 3D ज्योग्राफी, ज्योमेट्री सॉरी, इंटीग्रल एंड डेफिनेट कलर्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड मेंसुरेशन, एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया, बायोनॉमिनल थर्मल, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमिनेशन और कम्बिनेशन कुछ करके है, परमिनेशन जो भी है, भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिजिक्स के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन ऑफ लॉ, मोशन ऑफ फेस एंड मोमेंटम, पैरेलोग्राम ऑफ फोर्स, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट एंड इट्स इफेक्ट, साउंड वेव्स, देयर प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, स्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट, हीटिंग। तो ये तो आपके टेंथ के भी हैं। केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड, सिंबल फार्मूला, सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन, ये तो आपकी गैसेस हैं, इनके बारे में तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, रिडक्शन, एसिड्स, बेस एंड साल्ट, कार्बन एंड इट्स फॉर्म्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा आपने करना होगा तो आप कर सकते हैं किसी ग्रेजुएशन के बेसिस पे, जो भी साइंस का सिलेबस होता है वो, बाकी तकरीबन यही टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।